एग रोल तो आप सभी लोगों ने खाया होगा, पर क्या आप लोगों ने कभी हरी चटनी वाला एग रोल ट्राई किया है? तो आज हम लोग आपको वही टेस्ट कराने वाले हैं। तो फिलहाल हम मौजूद हूँ मोहम्मदपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, और आज हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं हरी चटनी वाला एग रोल। तो एग रोल के साथ मैंने एक पाव भी लिया है, तो चलिए इसकी मेकिंग को देखते हैं एंड आपको टेस्ट बताते हैं। रवि भाई की दुकान पे और रवि भाई अभी रोल बनाने व्यस्त हैं। हमने भी अपना ऑर्डर दे दिया, एक बड़ा पाव एग वाला और एक एग रोल। तो देखते हैं कि भाई कैसे बना। तो भाई एग पाव के लिए पहले लिया है अंडा, दो अंडे डाले भाई ने, इसमें डाला नमक, ये गरम मसाला, प्याज, थोड़ी सब्जी और प्याज डाल देते हैं। ये दो पाव बीच में से अच्छे से कट किया, इसके डाली हरी चटनी, यहाँ पर डाला प्याज और पत्ता गोभी के, इसके ऊपर से मसाला, यहाँ पे मीठी चटनी, थोड़ी सी आँच और लगाते हैं। तो भाई अब बनने जा रहा हमारा रोल। पहले मैदे की रोटी को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। अभी गया अंडा, हरी चटनी, नमक, गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर दिए इसे। एग रोल भी तैयार। और दिल्ली की तरह यहाँ पर चाउमीन नहीं डलेगी, यहाँ पर ओनली वेजीज और जिसे कहते हैं नॉर्मल एग वही रहेगा। ऊपर से चटनी का गार्निश है और रोल भी तैयार। फिलहाल हमारे दोनों प्लेटें सज चुकी हैं और अब खाते हैं और दोनों का टेस्ट आपको बताते हैं। तो फर्स्ट बाइट लेते हैं एग पाव, भाई क्वांटिटी और पैसे के हिसाब से बढ़िया है। टेस्ट करता है एग रोल को, एकदम क्रिस्पी और टेस्ट जो
हरी चटनी डाली है उसको भी बढ़िया है, ओवरऑल एकदम एवन है। एक नंबर भाई, कुछ भी बहुत बढ़िया।